Hello students, today in class 8 we are starting exercise number 2.5 in which we have reducing equation in simpler form. So in this part we didn't have equation in simpler form, it is in fractional form like x upon 2 plus 1 upon 5 equals to x upon 3 plus 1 upon 4. It is not in a simple equation. So to convert these equations in simpler form, first of all हमें x की जो variables हैं उनको one side and जो constant है उनको other side लेके जाएंगे. Like x upon 3 is in plus, transpose करेंगे right hand side में minus x upon 3 आ जाएगा, 1 by 5 transpose करेंगे minus 1 by 5 हो जाएगा. हमें पता है कि दो fractional numbers को ऐड और सब्ट्रैक्ट तब भी किया जा सकता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो. या डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे. टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर सेम, टू एंड थ्री के टेबल में सिक्स आता है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको सिक्स बनाने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको सिक्स बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. सिमिलरली 1/4 और 1/5 में 20 ऐसा है जो दोनों में आता है, 4 के टेबल में 25 पर आता है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ये बन जाएगा 3 to the 6, ये भी 3 to the 6, ऊपर 3x अपॉन 6 हो गया, ये 2x अपॉन 6. इसमें आ जाएगा 1 into 5 यानी 5 upon 20 एंड 1 into 4 4 upon 20. 6 दोनों में एलसीएम सेम हो गया, अब 3x माइनस 2x और इधर 20 सेम हो गया, 5 माइनस 4. 3x माइनस 2x करेंगे x रहेगा, 5 माइनस 4 करेंगे 1 रहेगा, 6 इज इन डिवाइडेशन, ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 इंटू 1 6 होता है, 6 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 3 upon 10, क्योंकि 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो सकते हैं. इस प्रकार से हम कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए और सॉल्व करेंगे. ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म थी और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन आया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना डाउट्स की फॉर्म में. मैं कुछ एक क्वेश्चन इसमें से करवा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करके देखेंगे, जो नहीं आता होगा वो मेरे से आप कंसीडर करेंगे, कंसल्ट कर लेना. ये सर डाउट्स हैं, ये नहीं हो रहे हमारे से. सो क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2. जैसा मैंने पहले बताया था, जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल्स को वन हैंड या वन साइड में रखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स जो होती हैं वो अनदर साइड जाती हैं. यहाँ x माइनस 8x अपॉन 3 और ये माइनस 5x अपॉन 2 है जो प्लस 5x अपॉन 2 में कन्वर्ट हो जाएगी. इधर प्लस 7 है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा. कोई भी फ्रैक्शनल टर्म है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. इधर 3 और 2 है, 3 और 2 का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 6 चाहिए हमें. सो इसके अपॉन में 1 है, x के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर किया जाता है. हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका डिनोमिनेटर सेम, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर सेम करेंगे. ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरे मेथड से ही सॉल्व करना है. अगर आपको एलसीएम लेने का मेथड पता है, अभी तक मेरे को स्टूडेंट्स के बारे में कंफर्म नहीं है कि स्टूडेंट्स किस हमारे पास कितना जानते हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं. सो मैं अपने मेथड से करवा रहा हूँ, डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं उसको कंसिडर करते हुए फिर सॉल्व करवा रहे हैं. अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत नहीं होगा, हमारे पास मिस्टेक नहीं है उसमें कहीं पे भी. सो हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा. इधर 6x, ये 8 to the 16x, ये 5 3 the 15x, इधर भी 6 एलसीएम हो जाएगा, 17 minus 6 7 the 42 आ जाएगा. सॉल्व करेंगे 6 एज एलसीएम, ऑल दीज थ्री, अगर 6 एलसीएम लेंगे 6x माइनस 16x प्लस 15x हो जाएगा, इधर 6 एलसीएम लेंगे 17 माइनस 42 आ जाएगा.
इसमें जब सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस का माइनस का 16x और प्लस का 15x सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 माइनस 16 करने पर माइनस का x रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि ग्रेटर जो है वो नेगेटिव है और स्मॉलर जो है वो पॉजिटिव है। इधर 17 माइनस 42 करेंगे, माइनस का 25 बचेगा अपॉन में 6, या माइनस का 25 या माइनस की वैल्यू आएगी। 6x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x, 6 इज इन डिवाइडेशन, ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 टू 6 कैंसिल, 5 डिवाइड में माइनस 25 अपॉन 5 करेंगे, रिजल्ट इज माइनस 5। दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 2.5। यस 2.5 क्वेश्चन नंबर 5, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस t। सबसे पहले वेरिएबल्स को वन साइड लेके चलेंगे, माइनस t है इधर आएगा तो प्लस t हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 4 और 3 दोनों के टेबल में 12 आता है, हम 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए इस 4 को तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और इस t को क्योंकि अपॉन में 1 है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड करेंगे। सॉल्व करते हैं, 3 का पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हम, 3 का 3t से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, 4 का 2t से 80, 4 का 3 से 12, और ये 12t एज इट इज अपॉन में सभी के 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 और ये 12 आ गया। 12 एज एलसीएम, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है इसलिए 12 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 माइनस 6 माइनस 80 माइनस 12 प्लस 12t इक्वल्स टू 2/3। 12 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई में चला गया, 3 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 3 फोर द टेब 12 होता है हमारे पास, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा 13t। इधर देखो इसमें कि 90 और 12t को ऐड कर देते हैं, 21t हो जाएगा, माइनस का 80 और माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18 होगा, वो एज इट इज लिख दिया हमने। और सॉल्व करते हैं, 21t में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13t बचेगा, माइनस का 18 इक्वल्स टू 4 टू द 8, माइनस 18 है प्लस 18 में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 में 8 ऐड करेंगे 26 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा t इक्वल्स टू 2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, जो दिया हुआ है 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले 3 को टी एन माइनस 3 से, फिर 5 को 2t प्लस 1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 को t से डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 3t आ गया, 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 9 आ गया इक्वल्स टू 5 को 2t से मल्टीप्लाई किया 10t बन गया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, ये पॉजिटिव का 10t है, वेरिएबल को वन साइड लेना है, माइनस का 10t हो जाएगा, ये माइनस का 9 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, 3t माइनस 10t 70 आ जाएगा, t की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाने पर 14 अपॉन 7 माइनस 2 आ जाएगा। हमने इसमें डिवाइडेशन में लेके आए हैं तो साइन सेम रहता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लेके जाते तो साइन चेंज होता है, एडिशन नेगेटिव में चेंज हो जाता है और पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज और नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज होता है। सो सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, 3 टाइम्स ऑफ 5z माइनस 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 8z माइनस 13 माइनस 17 गिवन है। हम क्या करते हैं, पहले 3 टाइम्स ऑफ 5z यानी 15z, 3 टाइम्स ऑफ माइनस 7 यानी माइनस 21, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9z डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम माइनस 18z, और ये माइनस एंड ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 11 टू द 22। सिमिलरली 4 डिस्ट्रीब्यूटेड विद 8z 32z, 4 डिस्ट्रीब्यूटेड विद 13 माइनस 52 माइनस 17 एज इट इज। टुक द वेरिएबल वन साइड एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन अदर साइड, सो वेरिएबल्स आर 15z, 18z एंड 32z, ये 32z इक्वल साइन में है इस तरफ लेके आएंगे माइनस में आ जाएगा माइनस का 32z, ये माइनस 21 इस तरफ जाएगा ट्रांसपोज करेंगे प्लस 21 हो जाएगा,
प्लस 22 ट्रांसपोज करेंगे माइनस 22 हो जाएगा, ये 52 माइनस का और माइनस का 17 एज इट इज। सॉल्व करेंगे 15z में से 18z को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18z ग्रेटर है, साइन ग्रेटर का आएगा, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा, 18 में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट होना है, 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3z रिमेनिंग बचेगा। सिमिलरली माइनस 32z, इधर माइनस 52 एंड माइनस 17 ऐड करेंगे माइनस का 69 आ जाएगा, ये फिर से 21 एंड 22 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, ग्रेटर का साइन आता है, ग्रेटर 22 है इसलिए माइनस का साइन आएगा माइनस 1। माइनस 3 एंड माइनस 32 प्लस 35z हो गया, माइनस 69 एंड माइनस 1 माइनस 70 हो गया, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, जेड इज इक्वल टू 35 डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 70 में 35 का डिवाइड करेंगे 35 टू द 70 जो कि इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमारे पास इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.5, इफ यू हैव डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद मी इन आई विल गिव यू द आंसर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।